हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट सेशन में हमने कीबोर्ड के यूनिट को स्टार्ट किया था। हम आगे कंटिन्यू करेंगे उसी यूनिट को। कीबोर्ड कैसे करता है, अगर कौन सा कि कीबोर्ड आप लोगों को भी पता है कि कीबोर्ड एक पॉइंटिंग डिवाइस। जैसे सबसे पहले पढ़ते हैं कीबोर्ड के अंदर, मैं आपको बता चुकी हूँ कि कौन कौन सी कीज होती हैं, पंक्चुएशन की, अल्फाबेट की, न्यूमेरिक की। ठीक है, हम न्यूमेरिक कीपैड के बारे में पढ़ेंगे। न्यूमेरिक कीपैड क्या होता है? इट इज़ यूज्ड व्हेन अ नंबर ऑफ न्यूमेरिक डाटा इज़ टू बी एंटर्ड। अगर आपको न्यूमेरिक डाटा एंटर करना पड़ता है तो हम इसका कीपैड का यूज़ करते हैं। दिस कीपैड इज़ जस्ट लाइक ए सिंपल कैलकुलेटर। ये एक कैलकुलेटर की तरह भी काम करता है। देखो इसमें क्यों, एक तो इसमें तीनों वन से लेके ज़ीरो से लेके नाइन तक आपके पास नंबर है जिससे आप कोई भी डिजिट लिख सकते हो। प्लस का सिंबल है, माइनस का सिंबल है, स्टार का सिंबल है, डिवाइड सिंबल है, नम लॉक का है, एंटर का है, डिलीट का है। तो ये ऐसे कैलकुलेटर भी काम कर सकता है। दिस कीबोर्ड इज जस्ट लाइक ए सिंपल कैलकुलेटर। इट इज नॉर्मली लोकेटेड ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ कंप्यूटर कीबोर्ड। कीबोर्ड के ये राइट हैंड साइड पे ही होता है। इट कंटेन्स नंबर 0 to 9। इसमें 0 to 9 नंबर्स होते हैं। ये मैंने आपको बताया एडिशन का, सब्ट्रैक्शन का, डेसिमल पॉइंट का सिंबल और डिवीजन का। ठीक है, एंटर की। न्यूमेरिक कीबोर्ड में ऑल्सो वर्क ऑन ड्यूल मोड। ड्यूल मोड पे भी काम करते हैं। कैसे? इट रिप्रेजेंट नंबर्स एंड ऑन द अदर मोड इट कंटेन्स वेरियस कीज लाइक एरो कीज, पेज अप पेज डाउन कीज, नमलॉक इज प्रोवाइडेड टू स्विच बिटवीन टू मोड्स। देखो बेटे, इसमें जो नमलॉक का जो ये बटन होता है, अगर हम इसको प्रेस कर देते हैं तो जो ये हमारे एरो के इसके अंदर सिंबल बने हुए हैं, ये वाला एरो, ये हो गया, जो हमारे तीनों एरो के सिंबल बने हुए हैं चारों, तो फिर अगर हम नमलॉक पे क्लिक करते हैं तो ये 8, 4, 6, 2 की तरह काम नहीं करेगा। ये एज ए एरो काम करेगा। ये अप एरो, ये डाउन एरो, लेफ्ट एरो, राइट एरो। तो नमलॉक से हम स्विच कर सकते हैं। दोबारा से नमलॉक प्रेस करेंगे तो ये दोबारा से न्यूमेरिक की तरह काम करने लग जाएगा। नेक्स्ट होम कीज। देखो जब भी हम टाइपिंग सीखते हैं, मैंने आपको बताया है कि जो टाइपिंग होती है वो हमें कीबोर्ड में देख के नहीं करनी होती। एक अच्छा टाइपिंग जो होता है, टाइपिस्ट होता है, उसकी स्पीड तभी इंक्रीज होती है जब उसको नॉलेज होती है। अपने मसल से, अपने फिंगर्स की मूवमेंट से ही वो पता लगाता है कि टाइपिंग कैसे करनी है। फॉर एग्जांपल, सबसे पहले इसके अंदर हम होम कीज को बताते हैं। अल्फाबेट ASDF आर होम कीज ऑफ लेफ्ट हैंड एंड LKJ फॉर राइट हैंड। देखो ये जो चारों कीज हैं, ये वाली ये तो होती है हमारे लेफ्ट हैंड के लिए, और ये जो चारों कीज हैं हमारे राइट हैंड के लिए। इसके अंदर हमारे पास सेमी कोलन आ गया, सेमी कोलन के साथ LKJ ये आ गया, और इधर ASDF। तो इन्हीं चारों फिंगर से ही हम ये की प्रेस करते हैं, और इन्हीं चारों फिंगर से हम ये की प्रेस करते हैं, और जो स्पेस होता है इसको हम थंब से प्रेस करते हैं। अगर हमें इधर से स्पेस प्रेस करना है तो इस थंब से करेंगे, उधर से स्पेस प्रेस करना है तो इस थंब से करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आई की। ऑन ए कंप्यूटर कीबोर्ड की कीज F एंड J आर कॉल्ड गाइड कीज फॉर लेफ्ट एंड राइट हैंड। देखो इसमें जो दो की होती हैं F और J, ये वाली, ठीक है, मतलब कि लेफ्ट हैंड साइड की जो आपकी पहली फिंगर के पास जो इंडेक्स फिंगर होती है हमारी, इंडेक्स फिंगर वाली है जो, और राइट हैंड की इंडेक्स फिंगर वाली है जो, ये दोनों हमारी, ये और ये वाले, ठीक है, ये दोनों हमारी एज ए गाइड की काम करती हैं। क्योंकि ये हमें बताती हैं कि मूवमेंट कैसे रखनी है। बोथ कंटेन ए स्मॉल रेस्ड टेंजिबल मार्क विद द हेल्प ऑफ विच द टच टाइपिस्ट कैन प्लेस द फिंगर्स करेक्टली ऑन होम टेस्ट। इन पे हमारा मार्क लगा होता है ऐसे डैश का, इससे हमारे को मूवमेंट से पता लग जाता है कि जब वो हम अपनी फिंगर्स को कीज पे रखते हैं कि तो यहाँ से हमारी जो कीज हैं इसकी स्टार्टिंग पोजिशन यहाँ से स्टार्ट है। ये हमारी एज ए गाइड की काम करती हैं। फिंगर्स करेक्टली ऑन द होम की, अगर हमने होम की पे करेक्टली फिंगर्स रखी हुई हैं तो ईजिली टाइपिंग
कर पाएंगे, जैसे फिगर 2.2 में बता ही रखा है कि पोजीशन फिंगर की होम पे कैसे होती है, आपको पता है। टाइपिंग एंड डिलीटिंग टेस्ट, अब आपको मान लो टाइपिंग भी करनी है और डिलीटिंग भी करनी है, उसके लिए कैसे करना पड़ेगा। फॉर टाइपिंग टेस्ट इन ए डॉक्यूमेंट यू शुड क्लिक ऑन द लेटर्स ऑन द कीबोर्ड, आपको क्लिक करना है लेटर्स पे कीबोर्ड की हेल्प से, और डिलीट करने के लिए यू शुड यूज द बैक स्पेस की और डिलीट की, आपको बैक स्पेस की यूज करनी है या डिलीट की करनी है यूज। मैंने आप दोनों को, दोनों में डिफरेंस भी बताया था, बैक स्पेस में और डिलीट में क्या डिफरेंस होता है। बैक स्पेस जो कर्सर से लेफ्ट साइड की ओर डिलीट करता है, और जो डिलीट की होती है ये राइट साइड की ओर डिलीट है। यूज द नंबर लॉक और द नंबर्स ऑन द स्क्रीन रो ऑफ कीज ऑन द कीबोर्ड, आप नंबर्स को यूज कर सकते हो या नम लॉक लगा के ऊपर से नंबर्स को यूज कर सकते हो। टाइपिंग कैपिटल लेटर, मान लो आपको कैपिटल लेटर करने हैं तो आप कैसे करते हो, कैप्स लॉक एक बटन होता है इसमें, उसको ऑन कर देते हो, उसके बाद वो सारे के सारे जो लेटर कैपिटल लेटर में टाइप होते रहता है। या फिर हमारे पास एक शिफ्ट का ऑप्शन भी होता है कि हम अगर शिफ्ट के साथ जो भी लेटर को प्रेस करेंगे वो कैपिटल लेटर में प्रेस होगा, अदरवाइज हम कैप्स लॉक का बटन ऑन कर देंगे उससे भी हम कैपिटल लेटर में टाइपिंग कर सकते हैं। जैसे ही हम कैप्स लॉक का बटन ऑन करते हैं, अ लाइट विल शाइन ऑन द टॉप राइट साइड ऑफ कॉर्नर, हमारे कीबोर्ड के राइट साइड पे कॉर्नर पे एक जो लाइट है वो ब्लिंक होती है, उसे पता लग जाता है कि जो हमारा कैप्स लॉक है वो ऑन हो गया है। अगर आपको उसको स्विच ऑफ करना है तो आप वापस से कैप्स लॉक को प्रेस कर देंगे। टाइपिंग सिंबल, अब मान लो आपको सिंबल कुछ प्रेस करने हैं, उनको प्रेस एंड होल्ड द की एंड देन प्रेस द की विद इन द रिक्वायर्ड सिंबल, देर आर टू शिफ्ट कीज ऑन द कीबोर्ड टू द बॉटम लेफ्ट। अगर मान लो आपको कोई सिंबल करना है, जैसे क्वेश्चन मार्क हो गया, मल्टीप्लाई हो गया, इस तरह से कोई सिंबल प्रेस करना है तो शिफ्ट की के साथ आपको उसको प्रेस करना पड़ेगा। शिफ्ट की हमारे दोनों साइड होती है, लेफ्ट साइड भी होती है और राइट साइड भी होती है। टाइपिंग सेंटेंसेस, टू गेट स्पेस बिटवीन टाइप वर्ड्स प्रेस द स्पेस बार वंस एंड देन टाइप द नेक्स्ट वर्ड, अगर हमें सेंटेंसेस टाइप करने हैं तो हर एक वर्ड के बीच में हमने स्पेस देना होता है, उसके बाद ही हम नेक्स्ट वर्ड को टाइप करते हैं। क्रिएटिंग न्यू लाइंस एंड स्पेसेस बिटवीन पैराग्राफ्स, हमें न्यू लाइंस अगर बनानी है और स्पेस देना है पैराग्राफ के बीच में तो एंटर प्रेस करते हैं। मान लो एक लाइन हमने एक पैराग्राफ लिख लिया, उसके बाद हमें नेक्स्ट पैराग्राफ स्टार्ट करना है तो हमें एंटर प्रेस करेंगे तो हम नेक्स्ट पैराग्राफ पे आ जाएंगे, और नेक्स्ट नेक्स्ट लाइन पे जाने के लिए भी हमें पैराग्राफ की जरूरत होती है। मेक श्योर दैट द कर्सर इज फ्लैशिंग फ्रॉम ए न्यू लाइन, इट इज़ ऑल्सो यूज टू ऑथराइज इंस्ट्रक्शन ऑक्स फॉर कंप्यूटर टू परफॉर्म, तो इस तरह से हम एंटर की हेल्प से एंटर को हम रिटर्न की भी बोल देते। गाइड फॉर टाइपिंग, द कर्सर कीज सर्व एज ए गाइड फॉर टाइपिंग, जो ये कर्सर कीज होती हैं इसको हम ऐसे भी कह देते हैं कि ये गाइड करती हैं टाइपिंग के लिए। दे कैन बी यूज टू मूव पोजिशन ऑफ द कर्सर, इसे हम कर्सर की पोजिशन को मूव कर पाते हैं। द कर्सर इज स्मॉल डाउनवर्ड लाइन दैट फ्लिकर्स इन ए सेंटेंस वाइल टाइपिंग, ये एक तरह से एक लाइन होती है जब आप टाइपिंग करते हैं तो आपको दिखती रहती है ये। मूव द पोजिशन ऑफ द कर्सर बाई क्लिकिंग द पोजिशन विद द माउस, अगर आपको कहीं और बीच में से अपने कर्सर की पोजिशन चेंज करनी है तो आप माउस के क्लिक से भी कर्सर की पोजिशन को चेंज कर सकते हो। पढ़ा है, बाकी का हम ये यूनिट नेक्स्ट सेशन पढ़ेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।